हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल के लिए आपको F8 प्रेस करना होता है या फिर यहाँ पर जाकर क्लिक करना होता है। टेक्स्ट टूल जब आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तरीका यह है टेक्स्ट टूल यूज़ करने का कि आप सिंपल क्लिक करो और उसके बाद आप टाइप करो। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके और तब छोड़ देंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन करके आपके सामने आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो वहाँ पर पॉइंट साइज जो होती है वो आपकी 12 होती है, और जब आप सिंपल क्लिक करके टाइप करते हो तो वहाँ पर पॉइंट साइज आपकी 24 होती है। अंतर ये होता है दोनों में कि यहाँ पर जब आप इसको पकड़ के खींचेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ती चली जाएगी, जबकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आपने कोई मैटर टाइप किया हुआ है तो उसकी साइज को आपको बढ़ाने के लिए सिलेक्ट करके पॉइंट साइज को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मैटर हम टाइप कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर ले रहा हूँ। इससे संबंधित आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये आ रहे हैं। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में हर फॉन्ट में नहीं मिलेगा, तो जहाँ जहाँ आपका अवेलेबल होगा वहाँ वहाँ ये इस तरीके से आएगा, यानी कि सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, वरना ये अनहाइलाइटेड होगा या फिर हाईलाइट नहीं होगा। इसके बाद ये आपका दिया हुआ अलाइनमेंट के लिए, आप जिस तरीके का अलाइनमेंट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ बुलेट्स का ऑप्शन, बुलेट्स के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपने मैटर को और यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका बुलेट सेलेक्ट करके आ जाएंगे। जब आप बुलेट सेलेक्ट के आएंगे तो यहाँ देखिए टैब के ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, यहाँ से आप टैब और अलाइनमेंट अपना इसको सेट कर सकते हो, इंडेंटेशन को सेट कर सकते हो। बुलेट्स के बाद ये आपका ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रॉप कैप का काम क्या होता है कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें पहला अक्षर जो है वो आपका बड़े में आएगा। यहाँ पर मैं क्लिक किया तो पहला अक्षर जो है जिस पैराग्राफ में था वहाँ आपका बड़े में आ रहा, 3 लेटर के बराबर आ रहा। इसके अलावा यहाँ पर आपका करेक्टर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्या करेगा, जैसे हम कंट्रोल डी करते थे वर्ड में, तो यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो एक साइड में जो है आपके लिए फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप चूज कर सकते हो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद आपका करेक्टर इफेक्ट, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, तो यहाँ से कैसी अंडरलाइन आपको चाहिए, कैसा आपको स्ट्राइक थ्रू चाहिए, कैसी ओवरलाइन चाहिए, या कैस आपको अपर केस में चाहिए हर मैटर अपना, या फिर जो है लोअर केस मतलब नॉर्मल चाहिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपका एंगल दिया हुआ है, यानी कि अगर आप अपने लेटर्स को, अगर आपको इटैलिक्स का ऑप्शन नहीं दिया, उसके अलावा आप तिरछा करना चाहते हो या रोटेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको घुमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है अगला ऑप्शन दिया हुआ है एडिट टेक्स्ट का। इसका काम क्या होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जितना मैटर चाहें उतना मैटर यहाँ पर अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं उसकी। ये जो पॉइंट होता है ये दिखाता है आपको पैराग्राफ मार, यानी कि कहीं पर आपने टैब लगा रखा है, एंटर कर रखा है, तो ये आपको शो करेगा कि आपने किस किस स्थान पर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया। जहाँ स्पेस यूज़ किया होगा वहाँ एक सेंटर में डॉट लग करके आ जाएगा, जहाँ पर आपने टैब का इस्तेमाल किया होगा वहाँ पर एक एरो का निशान बन करके आ जाता है। तो किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को चेक करना हो, जानना हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। करंट टाइम पर मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं मुझे याद है जिसमें इस तरीके का डाटा हो जो मैं यहाँ इम्पोर्ट करा सकूँ। तो नॉर्मली अगर आपके पास कोई फाइल है जहाँ से आप वर्ड की फाइल है वहाँ से डाटा लाना चाहते हो, तो एक तरीका तो ये होता है वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से इम्पोर्ट करके अपने टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शंस में फाइंड और टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट का रिप्लेस टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, स्पेलिंग चेक का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको चेंज केस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको इसका चेंज केस करना है, यानी कि सेंटेंस केस में करना है, लोअर केस में करना है, जिसमें भी करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद करोगे तो वो उसी हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, अब मान लिया अपर केस करना, तो यहाँ क्लिक किया सब अपर केस में आपका
कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर जो हमने टेक्स्ट चूज किया था, यानी कि जो फर्स्ट टाइम टेक्स्ट हमने क्लिक करके बनाया था, उसकी जो अधिकतम साइज होती है वो 3000 पॉइंट्स ही होती है। इससे ज्यादा आप इसको बड़ा नहीं कर सकते। आप इसको खींचेंगे, अगर मान लीजिए ड्राइव करेंगे यहां से राइट साइड से, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली तो बढ़ जाएगा, बट आप जैसे वर्टिकल स्ट्रेच करोगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल साइज में 3000 पॉइंट की साइज में चला जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट मैटर को आप 3000 पॉइंट से बड़ा इसमें नहीं कर सकते। इसके अंदर जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो, अगर मान लीजिए कि आपका ये मैटर इस पन्ने पर भर गया है और अब आपको यही मैटर अगले पेज पर चाहिए, या यही मैटर जो हमने यहाँ पर लिया था इसी में से आधा पोर्शन हमको सेकंड पेज पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको छोटा करेंगे या कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी एंड लाइंस है, यानी कि जो बाउंड्री लाइंस हैं, वो आपकी रेड कलर की हो गई हैं। इस केस में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ लास्ट पॉइंट जो दिया उस पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का बॉक्स बंद करके आ जाएगा। इसको आप सेकंड पेज पे ले जाइए और यहाँ पर पकड़ के ट्रैक कर लीजिए, तो जो बचा हुआ मैटर आपका था, या जो बचा मैटर आपका कंप्रेस करने के बाद नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो बचा हुआ मैटर आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किस पेज से मैटर आपका आया है। ऐसे ही पेज वन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मैटर पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि मैटर आपका कहाँ पर गया हुआ। तो ये था आपका टेक्स्ट टूल। इसमें अभी इसको आप छोटा या बड़ा करते हो तो यहाँ से मैटर उस पन्ने पर चला जाएगा, या इसको हम बड़ा करेंगे तो वहाँ से मैटर यहाँ पर आपका आता दिखाई देगा और वहाँ का बॉक्स आपका छोटा यानी कि मैटर उसमें सज जाएगा। जैसे आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, अगर सिंपल टेक्स्ट टाइप कर रखा है, उसको आपको टेक्स्ट बॉक्स वाले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एफ8 प्रेस कर लीजिए। तो कंट्रोल प्लस एफ8 प्रेस करते ही इसका देखिए बॉक्स बंद करके यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही वापस कुछ कन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ8 प्रेस करेंगे तो ये वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एक लाइंस अलग अलग सेपरेट करनी है तो आपको कंट्रोल प्लस के प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपकी सारी लाइंस जो है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी। तो ये था आपका टेक्स्ट टूल। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।